अगस्त 2022 में नगरपालिका परिषद असुरन का गठन हुआ था, उसके बाद से अब तक हमने करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए हैं। जब हम आए थे तब सड़कों की हालत बस से बदतर थी, चलना दूभर था। हमने बेहतर सड़कों का निर्माण किया। जिला मुख्यालय अशोकनगर के विकास और जनहितैषी मुद्दों पर रेडियस मीडिया से मुखातिब होते हुए नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया ने शहर से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किया। मध्य प्रदेश सरकार ने कायाकल्प योजना से और मुख्यमंत्री अधोसंरचना से करोड़ों रुपए की अनुदान राशि दी है, जिससे हमने शहर की संपूर्ण सड़क डालने का काम किया है। कई जगह हमने आपने देखा होगा आरटीओ ऑफिस के पुराने आरटीओ ऑफिस के पीछे एक बेहतर सीसी सड़क डाली है, जो सीधे बाईपास से लेकर तहसील तक के मार्ग को दुरुस्त कर दी है। हमने अभी कई वार्डों में कायाकल्प योजना के तहत सड़कें डाली हैं। अभी उसी के तहत मुख्यमंत्री अधोसंरचना 4 में 3 में हमने डिवाइडर बनाए हैं शहर के, गांधी पार्क से स्टेशन रोड और अस्पताल चौराहे से लेकर राजमाता चौराहे तक के हमने डिवाइडर बनाए हैं। अब हम कोलगो रोड पर उसी मुख्यमंत्री अधोसंरचना 3 में एक नया डिवाइडर बनाने जा रहे हैं। विदित हो कि शहर में विकास की नई इबारत लिखते हुए श्री मनोरिया ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के साथ कायाकल्प योजना में अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं, जिसमें शहर के नए बस स्टैंड पर देखी जा रही अव्यवस्थाओं के सुधार की बात उन्होंने कही। इसके साथ ही खेल स्टेडियम, सड़कों पर सफाई, स्वच्छता मुहिम, पार्कों के रखरखाव को बरकरार करते हुए अशोकनगर को ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी बनाने के उद्देश्य पर श्री मनोरिया अपने संकल्प पर प्रतिबद्ध दिखे। उन्होंने रेडियस मीडिया से खुलकर चर्चा की। हम मुख्यमंत्री अधोसंरचना 4 में कई सड़कों का निर्माण हमने किया है। अब हम नए बस स्टैंड पर, जहां IDSMT योजना अंतर्गत जो बस स्टैंड निर्मित है, उसमें सेंटर में लगभग 30 से 40 फुट चौड़ी सड़क बना रहे हैं। उसके बाद बिल्डिंग जिसकी हालत ख़राब है, उसकी रंगाई पुताई और जो भी उसमें करना है, उस सब को लेकर भी नगरपालिका संकल्पबद्ध है। जल्दी एक आध हफ्ते में काम चालू कर रहे हैं। और भी कई टेंडर हमने नगरपालिका अशोकनगर ने लगभग 22 वार्डों में टेंडर किए थे जो निकाय से थे, हम उनका भी कार्य शीघ्र ही प्रारंभ करने जा रहे हैं। 2 महीने हम पिछड़े हुए हैं क्योंकि आचार संहिता के कारण, चुनाव के कारण कार्य नहीं कर पाए। शीघ्र ही नगरपालिका अपने दोबारा उसी अंदाज में, जिस अंदाज में नगरपालिका के गठन के बाद हमने विकास किया था, उसी अंदाज में हम लौटकर शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम स्वच्छता को लेकर भी सक्रिय हैं। लगातार अतिक्रमण को हटाना और स्वच्छता को अंजाम देना नगरपालिका परिषद का काम है, वो हम पूर्ण रूप में पूरी परिषद को साथ लेकर, सभी पार्षदों को साथ लेकर नगर के विकास में अपना नया आयाम स्थापित करने जा रहे हैं। अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट।